गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर अ ब्यूटीफुल क्लोथ सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स आर वॉन ड्यूरिंग समर समर सीजन में आप किस तरीके के कपड़े पहनते हैं एंड द ऑप्शन आर वुलन कॉटन एंड सिंथेटिक एंड द करेक्ट आंसर इज कॉटन कॉटन क्लोथ्स हम पहनते हैं बिकॉज इट कीप्स आर बॉडी वेरी कूल इससे बॉडी काफ़ी हमारी हमें ठंडक उसमें मिलती है बिकॉज जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो ईजिली जो स्वेट है पसीना है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं जिससे हमें गर्मी से थोड़ी राहत मिलती है विच फाइबर इज ऑप्टेंड फ्रॉम शीप कौन सा फाइबर मिलता है हमें शीप से कॉटन जूट और वुल करेक्ट वन वुल विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सिंथेटिक फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर्स फाइबर आप जानते हैं कि वो होता है जिसमें केमिकल्स मिलाए हुए होते हैं ऑप्शन आ सिल्क नायलॉन एंड जूट एंड करेक्ट वन नायलॉन इन विच सीजन वी वेयर वुलन क्लोथ्स कौन से सीजन में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं विंटर विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट्स इनमें से कौन सा फाइबर है जो हमें प्लांट से मिलता है ऑप्शंस वुल कॉटन बोथ ए एंड बी तो करेक्ट आंसर है हमारा कॉटन ओके क्योंकि जो वुल है वो हमें

या फिर मिरर वर्क मिरर्स जो होते हैं छोटे छोटे शाइनी मिरर्स हैं उनको क्लोथ्स में लगा के नंबर टू टर्बन इज एन अनस्टिच क्लोथ यस जो टर्बन होता है वो अनस्टिच क्लोथ्स है और अनस्टिच क्लोथ वो होता है इट्स जिसमें कोई भी एडिशनल पीस हम दूसरे कपड़े का ऐड नहीं करते हैं ओके अ लॉन्ग अनस्टिच पीस ऑफ क्लोथ इज वॉर्न बाय वूमन एज साड़ी एक बहुत ही लॉन्ग uh, अनस्टिच कपड़ा होता है जिसको जो वुमेन्स है वो कैसे पहनती है एज अ साड़ी पहनती है वी शुड ऑलवेज वियर डैश क्लोथ हमें हमेशा कैसे कपड़े पहनने चाहिए नीट ओके okay? तो ये दोनों क्वेश्चन हैं आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और इसके साथ ही हमारे जो चैप्टर है अ ब्यूटिफुल क्लोथ ये ख़त्म होता है और कल से वी विल स्टार्ट आर रिविजन फॉर आर अपकमिंग फाइनल एग्जामिनेशन तो आपको रिविज़न शीट्स मिलेंगी कल से और उसी के बेसिस पे आपके रिविज़न टेस्ट भी होंगे ओके गूगल फॉर्म के थ्रू तो आपको जो रिविज़न शीट्स हैं उसको अच्छे से पढ़ना है और तैयारी करनी है थैंक यू एंड हैव अ गुड डे